हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है, इतना ज्यादा फायदे इसके बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया में जितना कि इसका है नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इससे होने वाला नुकसान बताऊंगा आप लोगों को, तो आपको जानना ये बेहद जरूरी है कि इसमें होने वाले नुकसान क्या क्या है और कितना तक ही इसे यूज करना है, मीन्स इसका लिमिट क्या है यूज करने का, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप वीडियो को पूरा देखें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, एलोवेरा जेल के ज्यादा इस्तेमाल से दोस्तों स्किन पर रेसेज, खुजली और रेडनेस हो जाती है। दोस्तों आप अगर स्किन पर बहुत ज्यादा एलोवेरा का यूज करते हैं, चाहे क्रीम हो या डायरेक्ट इसका जूस बीच से जो निकलता है काट के वो निकाल के कर रहे हो दोस्तों, तो आपको बहुत ही कम मात्रा में और रेगुलर उपयोग नहीं करना है। कभी कभी आपको करना है, सप्ताह में एक दिन कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो स्किन है दोस्तों, खास करके फेस, वो बहुत ही कोमल होता है और वो रेडनेस हो जाएगा, लाल हो जाएगा दोस्तों, खुजली होने लगेगा और रेसेज होने लगेगा, दाग दाग जो होता है दोस्तों। तो आप इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। और इससे जो दोस्तों और भी जो प्रॉब्लम है वो है डिहाइड्रेशन का। जी हाँ दोस्तों, कई लोग सुबह सुबह कुछ घूंट एलोवेरा जेल पीते हैं, आपको पता होगा कि जूस बना के पी लेते हैं, ये सोचकर कि इससे उनका वजन कम होगा और शरीर स्वस्थ बनेगा। हम आपको बता दें कि रोज के एलोवेरा सेवन से आपको डिहाइड्रेशन की परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और इसके आगे हम बढ़े तो ये भी जान लीजिए, जूस के लगातार सेवन से शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर एलोवेरा का जूस आप कंटिन्यू पीते हैं तो आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगा, जिस वजह से अनियमित दिल की धड़कन और कमजोरी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप सोच समझ कर ही इसका जूस को कंज्यूम करें। जिन लोगों को पहले से दिल संबंधित कोई शिकायत हो वो इस जूस को ना पिए, बिल्कुल भी नहीं पीना है। और एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, ब्लड शुगर से संबंधित एलोवेरा का लगातार सेवन ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम हम लोग नॉर्मल आदमी यूज करते हैं इसे, लेडी हो या जेंट्स हो, तो उसका ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों, बीपी, वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर लेने लगे जूस के माध्यम से, तो ब्लड प्रेशर जो होता है बिल्कुल भी एकदम कम कर देगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा बेनिफिट उसे मिल जाता है दोस्तों, जिनका बीपी हाई हो वो भी रेगुलर ना पिए इसे, सप्ते में दो दिन बहुत है, वो भी थोड़ी थोड़ी सी, तभी वो बचाव कर सकता है, नहीं तो और बीपी एकदम बेकार हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, मसल्स को कमजोर करता है ये। मसल्स के बारे में जान लेते हैं, तो इस जूस में मौजूद लेटेक्स, इसका जूस जो निकालेगा दोस्तों, इसमें लेटेक्स होता है जो कि मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही सेवन करें, अन्यथा ना करें दोस्तों। इसका सेवन के बारे में मैं बता दिया आप लोगों को, तो एलोवेरा को बिना जाने बिना सोचे समझे इस्तेमाल ना करें, स्किन पे घस घस के यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बहुत हो सकती है दोस्तों। और जो भी आपके परिवार में फैमिली में अगर इसका जूस पीते हैं तो बिल्कुल भी उन्हें बोलिए अवॉइड कीजिए, बहुत ज्यादा हो तो एक से दो बार पी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।